नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देख न्यूज। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। कानपुर में सीएनजी का संकट बढ़ता जा रहा है। यहां 12 सीएनजी फिलिंग स्टेशन को बंद करना पड़ा है क्योंकि इन स्टेशन पर सीएनजी की सप्लाई 2 दिन से नहीं हो पा रही है। कानपुर में सीएनजी की सप्लाई गुजरात से आती है। बताया जा रहा है कि गुजरात में भी सीएनजी कंपनियों में गैस की कमी हो गई है। कानपुर में सीएनजी के 32 फिलिंग स्टेशन है जिनमें 12 को सीएनजी फिलिंग स्टेशन में सप्लाई चेन रुकने से सीएनजी नहीं बढ़ पा रही है और इस वजह से उन्हें बंद कर दिया गया है। सेंट्रल उत्तर प्रदेश गैस लिमिटेड के कानपुर इंचार्ज मोहित खान का कहना है कि ऊपर सप्लाई में कमी होने से दिक्कत आ रही है क्योंकि इसकी सप्लाई रूस की कंपनियों से होती है। हम सभी सीएनजी फिलिंग स्टेशन को सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। सीयूजीएल के निदेशक प्रदेश कुमार का कहना है कि कानपुर में कई इंडस्ट्रीज को भी इससे दिक्कत हो रही है और हम उन्हें सप्लाई देते थे। हम इंडस्ट्रीज वालों से बात कर रहे हैं, उनकी कुछ कटौती करके सीएनजी फिलिंग स्टेशन सप्लाई देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सीएनजी न होने की वजह से बंद गैस स्टेशन के मैनेजर का कहना है कि हमारे यहाँ शनिवार से पंप बंद है क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रही है। कानपुर शहर में प्रतिदिन करीब 2.5 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस की खपत फिलिंग स्टेशन उद्योग और घरों में होती है। अभी 80,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस की प्रतिदिन कम सप्लाई हो रही है और अब तक 12 सीएनजी की फिलिंग स्टेशन बंद किए जा चुके हैं। सीयूजीएल का कहना है कि सीएनजी के संकट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि घरेलू गैस पर कोई फर्क न पड़े। फिलहाल कटौती करके सीएनजी और पीएनजी दी जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध की वजह से भारत पर और क्या कुछ असर पड़ते हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं सबके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।